नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ प्रीति और हम लेकर आए हैं लोकतंत्र 2014। आठवें दौर का मतदान शुरू हो रहा है तो वही नौवें दौर के लिए प्रचार चरम पर है। खबरों को विस्तार से देखने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा के 64 और 5 राज्यों के 181 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मजबूत भारत के लिए सभी वर्गों की तरक्की पर राहुल गांधी का जोर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष की रैली। अखिलेश यादव का धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत का दावा, कहा बगैर भेदभाव उनकी सरकार कर रही है सभी का विकास। अपने रुख से पलटे सीपीआई नेता ए बी वर्धन, कहा नतीजों के बाद ही समर्थन पर फैसला, हर कीमत पर मोदी को रखेंगे दूर। लोकसभा चुनाव के आठवें दौर में 7 राज्यों की 64 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस दौर में 64 सीटों पर 9,55,00,000 से ज्यादा मतदाता 897 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। आज के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 1,07,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए हैं, जहां 3,83,000 से ज्यादा ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। तो आज आठवें दौर का मतदान हो रहा है, 64 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि 181 विधानसभा सीटें भी हैं जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आज आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 15 सीटें शामिल हैं आज के दौर में, साथ ही पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इन 64 सीटों पर 9,55,00,000 से ज्यादा मतदाता 897 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 1,07,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए हैं। इस दौर में आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 15, बिहार की 7, पश्चिम बंगाल की 6, उत्तराखंड की 5, हिमाचल प्रदेश की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इससे पहले लोकसभा के 7 चरणों का मतदान हो चुका है। 9वें और आखिरी दौर में 3 राज्यों की 41 सीटों के लिए 12 मई को मतदान होना है। वोटों की गिनती का काम सभी सीटों के लिए 16 मई को होगा। इसके साथ ही 5 राज्यों की 181 विधानसभा सीटों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की सीमांध्र इलाके की 175, बिहार उत्तर प्रदेश की 2-2 सीटें, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 1-1 विधानसभा सीट शामिल है। आंध्र प्रदेश के सीमांध्र इलाके में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। यहां लोकसभा की 25 और विधानसभा की 175 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। इन सीटों पर कुल 3,67,62,976 मतदाता हैं। 25 लोकसभा सीटों पर कुल 333 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 27 महिला शामिल हैं और वोटरों की सुविधा के लिए यहां आयोग ने 40,708 मतदान केंद्र बनाए हैं। मतदान के लिए 1,26,000 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय पुलिस बल की 272 कंपनियां और करीब 1,20,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू, कुप्पम और वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी पुलिवेंदुला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राजमपेट लोकसभा सीट से बीजेपी की डी पुरंदेश्वरी और कांग्रेस के मौजूदा सांसद साई प्रताप के बीच मुकाबला है। केंद्रीय मंत्री पनाबाका लक्ष्मी को बापाटला से, एमएम पल्लम राजू काकीनाड़ा संसदीय क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और हमारे साथ कुर्नूल से हमारे संवाददाता राजकमल जुड़े हुए हैं। राजकमल, जिस तरह से आंध्र प्रदेश अब 2 राज्यों में औपचारिक रूप से 2 जून को बंट जाएगा, इसका असर जाहिर तौर पर हम क्या सीमांध्र और रायलसीमा के इलाके में भी देखेंगे? इस बार लोगों के मतदाताओं के उत्साह की बात करें मतदान को लेकर, तो क्या वो भी बदला हुआ दिखाई देगा?
प्रीति, मतदाताओं में उत्साह तो खासा है क्योंकि पहली बार है अपने अलग असेंबली चुनने के लिए इस बार वोट डाले जाएंगे और ये आखिरी बार है जो यूनाइटेड स्टेट में होने वाले चुनाव असेंबली के लिए स्पेशली ये आखिरी बार होने वाला है और मुकाबला इसीलिए इस बार भारी है क्योंकि आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद सीमांध्र इलाके में जो भी कैपिटल का मुद्दा था और यहाँ के रिसोर्सेज के मुद्दे थे ये बहुत ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई दी यहाँ के चुनावों में। इसीलिए जो कॉन्टेस्ट था कांग्रेस पार्टी बनाम तेलुगुदेशम हमेशा होता था, अभी वाईएसआर कांग्रेस बनाम तेलुगुदेशम हो चुका है और कांग्रेस की मौजूदा सांसद भी पार्टी छोड़ करके अलग राजनीतिक दल में शामिल हो गए हैं। जैसे आपने बताया राजमपेट से पुरंदरेश्वरी भी शामिल है और जहाँ मैं खड़ा हूँ कर्नूल ज़िला, यहाँ से पूर्व मंत्री स्टेट कैबिनेट में पूर्व मंत्री रह चुके वेंकटेश इस बार तेलुगुदेशम पार्टी से अपना किस्मत आजमा रहे। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगुदेशम पार्टी दोनों में शामिल हो चुके हैं। जो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है जो थोड़ा धीमी होती हुई दिखाई देती है प्रीति, साथ ही क्या नजर इस पर रहने वाली है कि वाईएसआर कांग्रेस के लिए क्या जो वोट पिता के लिए रहा राजशेखर रेड्डी का रहा वो सीधा सीधा कन्वर्ट होता है बेटे के लिए भी, क्या ये भी देखना दिलचस्प होगा? नहीं, 2009 में जिस तरह से राजशेखर रेड्डी फैक्टर था वो इस बार नहीं रहा है क्योंकि उस समय कैडर भी कांग्रेस पार्टी की मजबूत कैडर थी, लेकिन इस बार वो नहीं है और जगन रेड्डी के साथ जो भी लोग गए वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए, वो खुद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए थे। तो अभी इस बार देखना ये होगा कि कास्ट इक्वेशन किस तरह से, अगर आप चित्तूर डिस्ट्रिक्ट या कर्नूल इस तरफ देखेंगे तो क्या रेड्डी और कम्मा वोटरों के बीच में किस तरह से बंटवारा होता है और एक बलिजा वोट फैक्टर भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है इस इलाके में, अगर वो भी किस तरह से होता है और 8% माइनॉरिटी वोटर्स है पूरे रीजन में, क्या इन लोगों की वोट किस तरह जाते हैं उनके ऊपर जगनमोहन रेड्डी की भविष्य निर्भर होता है और भाजपा के गठबंधन के बाद माइनॉरिटी वोट थोड़ा तेदेपा की तरफ रुख थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे जहां पे गोदावरी डिवीजन है वहां पे थोड़ा बहुत रुकाव उस तरफ है, लेकिन इस एरिया में बहुत कम है प्रीति जी, यानी बहुकोणीय मुकाबला एक तरह से हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकमल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 15 लोकसभा सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। इस दौर में कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच कड़ा मुकाबला है। सबकी निगाहें अमेठी संसदीय क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस का गढ़ अमेठी, यहां से पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास से चुनौती मिल रही है। इनके अलावा वरुण गांधी, रेवती रमन सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, राजकुमारी रत्ना सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह और निर्मल खत्री समेत कुल 243 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। इनमें 21 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस दौर में कुल 2,62,41,592 मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने 25,965 मतदान केंद्र बनाए हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में इन 15 में से कांग्रेस को 7, बीएसपी को 5 और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिली थी। इन सीटों में से अमेठी से सबसे ज्यादा 34 जबकि बहराइच से सबसे कम 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बिहार की 7 लोकसभा सीटों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इस दौर में आने वाले संसदीय क्षेत्र के 8 जिले नेपाल और बिहार की सीमा के करीब हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत सीमा को सील कर दिया गया है। इस दौर में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व रेल मंत्री रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी की किस्मत का फैसला होना है। बिहार की शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और उजियारपुर संसदीय क्षेत्र में मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। संवेदनशील बूथों पर 346 वीडियो कैमरा लगाए गए हैं, 62,000 के करीब सुरक्षा बलों और 69,000 से ज्यादा मतदान कर्मी तैनात किए गए हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जो सिलेक्ट हुआ है वो 5,583 है। इन क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में सेंट्रल पुलिस फोर्स लगाए जाएंगे, साथ ही 3,293 माइक्रो ऑब्जर्वर्स का डेवलपमेंट किया गया, 346 वीडियो कैमराज डेवलप किया गया, 1,829 डिजिटल कैमराज लगाए गए। बिहार के लिए ये 5वें दौर का मतदान है। इस दौर में कुल 1,05,69,997 मतदाता 118 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 10 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट में फोर्स डिप्लॉयमेंट, पोलिंग पर्सनल, ईवीएम, व्हीकल, सारी चीज का तैयारी पूर्ण हो चुका है।
ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथों पर तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया है। बिहार की 40 में से बाकी बचे 6 लोकसभा सीटों पर आखिरी दौर में 12 मई को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की बांकुरा, झारग्राम, पुरुलिया, बेदिनीपुर, विष्णुपुर और आसनसोल लोकसभा सीटों पर भी सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। इन सीटों पर कुल 88,87,135 मतदाता 72 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इनमें 11 महिला उम्मीदवार हैं। आयोग ने कुल 11,330 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिन पर 27,192 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन 6 सीटों में से 4 सीटें जंगल महल इलाके में पड़ती हैं, जो नक्सल पीड़ित इलाके हैं। आयोग ने उन सीटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों के अलावा हेलीकॉप्टर, बम निरोधक दस्तों के साथ बारूदी सुरंग निरोधक उपकरण तैनात किए गए हैं। लेफ्ट फ्रंट के सामने इन सभी सीटों को बचाने की चुनौती है। बांकुरा में 10वीं बार जीत का इरादा लिए चुनावी मैदान में उतरे सीपीएम सांसद वासुदेव आचार्य के सामने टीएमसी के उम्मीदवार और मशहूर अदाकारा मुनमुन सेन की चुनौती है। आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो टीएमसी की डोला सेन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं संध्या रॉय मिदनापुर से सीपीआई के प्रबोध पांडा को चुनौती दे रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरें बाकी हैं, हम लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उत्तराखंड की, जहां 5 लोकसभा सीटों के लिए भी मतदान जारी है। राज्य में वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और वाम दल भी कई सीटों पर चुनौती दे रहे हैं। उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों के लिए करीब 68 लाख से ज्यादा मतदाता 74 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। राज्य की टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा संसदीय सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। वहीं हरिद्वार और नैनीताल सीटों पर बीएसपी और एसपी मुकाबले को बहुकोणीय बना रही हैं। पहली बार राज्य में कदम रखने वाली आम आदमी पार्टी भी अपनी छाप छोड़ने पर लगी है। हरिद्वार सीट पर मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहां से उनकी पत्नी रेणुका रावत का मुकाबला बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से है। इस सीट से आम आदमी पार्टी ने भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है। ये सीट साल 2004 में समाजवादी पार्टी ने जीती थी, इसलिए इस बार उनकी दावेदारी भी मजबूत है। यहाँ करीब 16 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। नैनीताल सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर करीब 16 लाख से ज्यादा मतदाता पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और कांग्रेस के केसी सिंह बाबा की किस्मत का फैसला करेंगे। वहीं अल्मोड़ा आरक्षित सीट पर 12 लाख से ज्यादा मतदाता कांग्रेस के मौजूदा सांसद प्रदीप टमटा और बीजेपी के अजय टमटा की किस्मत का फैसला करेंगे। इस सीट से आम आदमी पार्टी के साथ साथ एसपी और बीएसपी ने भी उम्मीदवार खड़ा किया है। यहाँ कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। गढ़वाल संसदीय सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। इस सीट से कांग्रेस के हरक सिंह रावत चुनाव मैदान में हैं। इस सीट से बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी भी किस्मत आजमा रहे हैं। सीपीआई एमएलसी आईसा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश मैखुरी भी मैदान में हैं। करीब 12 लाख से ज्यादा मतदाता इस सीट पर 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। टिहरी लोकसभा सीट पर राजघराने की रानी और बीजेपी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के सामने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा मैदान में हैं। यहां 16 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 13 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। उत्तराखंड में करीब 10,094 बूथ बनाए गए हैं। करीब 48,122 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य में 1,991 संवेदनशील जबकि 1,079 अति संवेदनशील बूथ हैं। राज्य में पुलिस और होमगार्ड के जवानों के अलावा 21 कंपनियां पीएसी और 56 कंपनी सीआरपीएफ की तैनात की गई हैं। उत्तराखंड का द्वार हरिद्वार, मौजूदा लोकसभा चुनाव में ये सीट बेहद दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने यहां मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, तो आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों ने भी सियासी समीकरणों को चतुष्कोणीय बना दिया है। लेकिन यहां पर बुनियादी समस्याओं के साथ साथ गंगा की सफाई भी एक अहम मुद्दा है। फिलहाल 7 मई को ही ये तय हो पाएगा कि यहाँ की जनता किसे अपना जनादेश देती है। कैमरा पर्सन अनिर्बन के साथ मैं दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी, हरिद्वार।
वहीं हिमाचल प्रदेश की सभी चार सीटों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। हिमाचल में परंपरागत रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने दोनों दलों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की सरहद पर खास चौकसी के अलावा भारत तिब्बत सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आज ही राज्य की सुजानपुर विधानसभा सीट के लिए भी वोटिंग हो रही है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य में कुल 7,382 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां कुल 48,10,071 मतदाता हैं, जो 38 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 5 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। हमारे ईवीएम्स पहुंच गए हैं, बैलेट पेपर्स पहुंच गए हैं, कमीशन की सीक्रेट सील पहुंच गए हैं, कई जगह हमने हेलीकॉप्टर द्वारा भेजी गए हैं, कई जगह अपने डीओज ने ले गए हैं और पूरी ट्रेनिंग भी जो सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स सबकी जो है सेकेंड ट्रेनिंग भी पूरी किस्म से हर लिहाज से पूरी हो चुकी है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वोटिंग के लिए पड़ोसी राज्यों की सरहद पर सुरक्षा के साथ भारत तिब्बत सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं, इन पर हाफ सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्सेज को लगाने का प्रावधान है। उसके अलावा होमगार्ड के जवान होंगे। उसी तरह जो सेंसिटिव बूथ्स हैं, इन पर एक उच्च स्तर का पुलिस का कर्मचारी होगा, जो कि एनजीओ ग्रेड 1 होगा, और उसके साथ होमगार्ड के जवान होंगे। उसी तरह सामान्य बूथ पर एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड का जवान तैनात होगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मंडी छोड़ 4 में 3 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार शिमला से बीजेपी के वीरेंद्र कश्यप पर ही भरोसा जताया गया है, जबकि कांग्रेस ने मोहन लाल ब्राक्टा को मैदान में उतारा है। कांगड़ा सीट पर हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके बीजेपी के शांता कुमार, कांग्रेस के चौधरी चंद्र कुमार और बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए राजन सुशांत के बीच मुकाबला है। हमीरपुर सीट पर बीजेपी के अनुराग ठाकुर को कांग्रेस के राजेंद्र राणा और आम आदमी पार्टी के कमलकांत बत्रा से चुनौती मिल रही है। मंडी के सियासी समर में मुख्यमंत्री वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह, बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा और आम आदमी पार्टी के जयचंद्र ठाकुर आमने सामने हैं। पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की 4 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही मिली थी। लेकिन इस बार दोनों ही दल चारों सीट पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने यहां पर सियासी समीकरणों को त्रिकोणीय बना दिया है। कैमरा पर्सन अनिर्बन के साथ मैं दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। और हमारे साथ हिमाचल प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड की सियासत पर और साथ ही वहाँ किस तरह का उत्साह है वोटरों में, इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक डोभाल खुद जुड़े हुए हैं। दीपक, पहले आपसे हिमाचल की बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ वोटिंग परसेंटेज एक बड़ा मसला है। हमने देखा 2009 में भी यहाँ पिछले 2004 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरा है। इसको लेकर चुनाव आयोग यहाँ कितना चिंतित रहा, परेशान रहा, और क्या कोशिशें की गई, इस बार क्या देखा जाए यहाँ से? देखिए प्रीति, जहां तक पोलिंग परसेंटेज की बात है तो आपने सही कहा कि हिमाचल प्रदेश में चिंता का विषय रहा है, लेकिन इस बार जो इंतजाम किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो पूरी तरह से माकूल हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वोट टर्नआउट हो। प्रीति, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं हूं उत्तराखंड, हिमाचल से इधर अगर बात करें, पूरे पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें, तो यहां पर जब भी बारिश होती है, क्योंकि आपदा यहां पर आई थी पिछले साल, और आप बारिश के बाद यहां के लोग सहम जाते हैं। पिछले 2 दिन से यहां पर लगातार बारिश हो रही है और हमें यह अंदेशा था कि जब हम पोलिंग बूथ्स पर जाएंगे तो क्या मतदाताओं में उत्साह होगा या नहीं, लेकिन हमें जानकर यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम 6:30 बजे से यहां पर हैं और 6:30 बजे से सैकड़ों की तादाद में लोग उमड़ कर वोटिंग के लिए आ रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन अनिर्बन से कहूंगा कि वो एक बार पैन करके दिखाएं आपको कि किस तरह का उत्साह है यहां के मतदाताओं में। सुबह से ही यहां पर सैकड़ों की तादाद में वोटिंग हो रही है, वोट आ रहे, वोट टर्नआउट हो रहा है, और ये वही इलाका है श्रीनगर जहां का एक पूरा हिस्सा आपदा के दौरान जलमग्न हो गया था, लोगों के घर डूब गए थे, लोगों के सपने तबाह हो गए थे, लेकिन आज वही श्रीनगर, आज वही उत्तराखंड दोबारा खड़ा हुआ है और अपने नेता को, अपनी नई सरकार को चुनने के लिए जो उत्साह यहां दिख रहा है वो वाकई में देखने लायक है प्रीति। और हमारी कुछ वोटर से बात हुई है, वो बेहद उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि शाम तक एक बड़ा वोटिंग टर्नआउट यहां से निकलेगा। प्रीति जी, कई सारे मसले हैं, जिस तरह से इतनी बड़ी आपदा से गुजरा है उत्तराखंड, जैसा आप भी हमें बता रहे हैं, और साथ ही विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नेक एंड नेक का मुकाबला रहा है, क्या लग रहा है इस बार किस तरह का मुकाबला है, और क्या हरीश रावत के लिए ये अग्नि परीक्षा की तरह नहीं है, खासकर अगर हम हरिद्वार और अल्मोड़ा सीट की बात करें तो?
बिल्कुल प्रीति, हरीश रावत के लिए अग्नि परीक्षा है, लिटमस टेस्ट है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है बीजेपी ने बहुत ही बड़े राष्ट्रीय मसलों को लेकर इस मैदान में कूदने की कोशिश की थी। यही वजह है कि उत्तराखंड में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा गया है बीजेपी की ओर से। आप संवेदनशीलता समझ सकती हैं इन चुनावों की बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और साथ ही साथ हरीश रावत, जो कि आंतरिक गुटबंदी से बेहद चिंतित थे, बहुत परेशान थे, उन्होंने कई बार उस गुटबाजी को झेला भी, उनके लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है कि वो हाईकमान को ये दिखाएं कि उत्तराखंड उनकी पकड़ में है, कांग्रेस पार्टी उनकी पकड़ में है। लिहाजा एकजुटता के साथ हरीश रावत के नेतृत्व में यहां पर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सियासी समीकरणों को त्रिकोणीय बनाया है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने हरिद्वार 2004 में एक सीट जीती थी, तो तमाम दूसरे दलों की मौजूदगी में बीजेपी और कांग्रेस के लिए यहां से सीट निकालना एक बड़ी बात होगी। और दोनों ही दलों की ये कोशिश है कि अपने अपने खेमे में वो वोटरों को करें। और मैं आपको बता दूं कि सीट्स भले ही कम हो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, लेकिन ये आने वाले सियासी जो तस्वीर है उसको साफ करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। दीपक, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे, और जैसा हमें दीपक ने दिखाया भी कि सियासी हलचल किसी भी तरह की रही हो, लेकिन मतदाताओं का उत्साह डगमगाया नहीं है, वो लगातार पोलिंग बूथ पर यहाँ मौजूद है, और बड़ी संख्या में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो गया उत्तराखंड में लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सीपीआई नेता एबी बर्धन ने अपने पहले के रुख में बदलाव किया है। अब उनका कहना है कि चुनाव नतीजों के बाद ही समर्थन पर फैसला होगा। दक्षिण भारत के एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में एबी बर्धन ने ममता बैनर्जी की टीएमसी से हाथ मिलाने के संकेत दिए थे। राज्यसभा टीवी संवाददाता अखिलेश सुमन ने एबी बर्धन से खास बात की। जैसे जैसे चुनाव अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और गैर बीजेपी ताकतों के बीच ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है। हमारे साथ हैं सीपीआई के वरिष्ठतम नेता एबी वर्धन। वर्धन जी, अब चुनाव के दो चरण बच गए हैं, और उन दो चरणों के खत्म होने के बाद जो लोकसभा की स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, जो कन्फिग्रेशन होगा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि कांग्रेस मुश्किल से 100 तक आ पाएगी, और इसलिए उसकी सरकार जाएगी। मगर बीजेपी 160-170 अपने बलबूते पर, इससे अधिक पाने की संभावना मुझे कहीं दिख नहीं रही है। वो कोशिश करेंगे, एक मोर्चा बनाएंगे, एक नया गठबंधन सामने आएगा। ऐसे में अभी जो लगता है कि कई विरोधी ताकतें गैर भाजपा खेमे में हैं, जो एक दूसरे की आपस में विरोधी हैं, वैसे में किस तरह का कन्फिग्रेशन बनने की संभावना? ये जो आप कह रहे हैं ये सही है, मगर ये है कि जब जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि मुल्क में ऐसा तो नहीं है कि कोई सरकार बनेगी नहीं। एक कहावत है कि नेचर अबहोर्स ए वैकुम, तो वैकुम तो नहीं रहेगा, कोई सरकार बनेगी। सरकार बनने की जिम्मेदारी जब आएगी तब देखेंगे। ऐसी ही एक रोचक स्थिति बनेगी पश्चिम बंगाल में, जहां तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट आपस में लड़ रही हैं, लेकिन दोनों बीजेपी के विरोध में हैं। तो क्या इन लोगों के बीच में भी कोई बातचीत करने की संभावना बनेगी? इन लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी, ये तो आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, पिछले दो यूपीए में लेफ्ट फ्रंट और टीएमसी दोनों अलग अलग सरकारों में रही है, क्या इस बार स्थिति में कुछ परिवर्तन हो सकता है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता। एक बात स्पष्ट है, अभी जो है, जो कुछ हो रहा है, पोलराइज करने की जो कोशिश हो रही है वोटों को, वो तो ऐसा लगता है कि भाई बीजेपी को लाभ पहुँचाया जाए। तो कोई अगर बीजेपी को लाभ पहुंचाने चला है तो उनके साथ हाथ मिलाने का सवाल क्या उठेगा? लेकिन फिर भी जो आप बता रहे हैं कि 160 के करीब बीजेपी का रहेगा, 100 से कम कांग्रेस का रहेगा, तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? जिसकी सबसे ज़्यादा सीट रहेगी उसी की सरकार बनेगी नेतृत्व में? कई बातें आएगी, वो भी एक फार्मूला है, और भी फार्मूले हैं, लोगों की योग्यता भी है, लोगों की मान्यता भी है, सब लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी जिसको कहते हैं वो भी है। तो एबी वर्धन का कहना है कि प्रधानमंत्री बनने में सवाल इस बात का केवल नहीं रहेगा कि सीटें किसको कितनी आती है, लेकिन सवाल इस बात पर ही रहेगा कि योग्यता किसको कितनी है, और ख़ास तौर पर तब जब कई विरोधी ताकतें बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं, तो यह निश्चित तौर पर परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि किससे कितनी देर तक हाथ मिलाया जा सकता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए अखिलेश सुमन।
और आठवें दौर के लिए मतदान के साथ साथ नौवें दौर के लिए भी प्रचार तेज हो गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने विकास की राजनीति को अपनाने की अपील की। डुमरियागंज से बीजेपी के टिकट पर जगदम्बिका पाल मैदान में है। देश की नई पीढ़ी जग चुकी है, ये जातिवाद के जहर से ऊपर उठ चुकी है, ये सांप्रदाय के रंग से रंगने वाली नहीं है। अब देश की नई पीढ़ी को अपना भविष्य बनाना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस समाज के हर तबके की तरक्की की बात करती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की प्रगति में समाज के हर वर्ग को शामिल किया जाना चाहिए, तभी भारत मजबूत बनेगा। उन्होंने सौहार्द और सद्भाव को विकास का मूल मंत्र कहा। हम कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में प्रगति होगी तो इस प्रगति में सबको शामिल होना चाहिए, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको शामिल होना चाहिए। हम उधर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। वो वाराणसी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के प्रचार कर रहे हैं। शरद यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी दलों से एक साथ आने की अपील की थी, जिसे उनकी पार्टी ने एक चुनौती की तरह स्वीकार किया है। वहीं उन्होंने ये दावा भी किया कि वो वाराणसी में केजरीवाल को जीत दिलाने की अपील की है। हम सिर्फ कैंडिडेचर का सपोर्ट करने आए हैं, इसलिए कि बाकी जितने कैंडिडेट हैं वो हमारे लिए संभव नहीं उनको करना। चुनाव जो है वो एक मिशन होता हम लोग, और वो मिशन जो है उसमें सफलता असफलता नहीं देखी जाती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मंगलवार को जौनपुर में पार्टी का प्रचार किया। उन्होंने चुनाव में धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत का दावा किया। वहीं अखिलेश यादव ने अपनी सरकार की खूब तारीफ की और कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी का विकास कर रही है। हमारी पार्टी की उपलब्धि में पहुंच गई हो, 172,000 शिक्षा मित्रों को भी सम्मानित करने का काम किया है, हमारे मोहल्ले में उर्दू वाले उन्हें भी नौकरी दे दी, 14 साल आंदोलन किया, संस्कृत वालों की भी मदद कर दी और बिना भेदभाव के मदद की है। बताओ कहीं कोई भेदभाव कर रही हो सरकार तो बता दो। अगर 172,000 दिए तो बिना भेदभाव के दिया है, एम्बुलेंस चल रही है तो बिना भेदभाव के है। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में खबरों के सफर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।